तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक फिगर है, वो उसमें रेगुलर हेक्सागोनल है। रेगुलर हेक्सागोनल क्या होता है भाई, जिसके सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक ना। तो वो जो साइड है वो, और उसमें कुछ जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में। सबसे पहले समझते हैं रेगुलर हेक्सागोनल। ये जो रेगुलर हेक्सागोनल है, जिसके 6 साइड है और ये आपस में सारे इक्वल है, लेकिन अगर मैं इनको वेक्टर के फॉर्म में देखूं, एरो दे दूं, तो यहाँ पे इनका जो है, ये वाला जो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल वो है। अब रेगुलर हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सारे साइड होते हैं, ये जो साइड और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ए एफ है, और ये जो है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाले, ठीक ना, ये सारे आपस में बराबर होते हैं, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। मतलब ये जितने भी लेंथ यूज हुए हैं, ये सारे आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर है। पर अगर मैं वेक्टर में रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे मान लो मैंने ए ओ वेक्टर ले लिया, तो ऐसे, तो ये वेक्टर अब ए बी के बराबर थोड़ी है यार, ठीक है ना। और यहाँ से जो ओ बी वेक्टर है वो थोड़ी बराबर है, ए ओ और ओ बी बराबर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर है। बात आ रही है समझ में? तो ये सारे लेंथ और सारे ए इक्वल है, और ये वाली चीज़ तो पूछा जा रहा है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई का सब, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, ये एंगल 60 डिग्री होता है, ए बी 60 होता है, ए बी 60 होता है रेगुलर हेक्सागोनल में, ठीक है। तो ए बी, चलो ए बी वेक्टर अगर तुम लिखोगे, तो ए बी वेक्टर किसके बराबर है? देखो, इस ए बी वेक्टर में ट्रायंगल ए ओ और बी में आ जाओ, ए बी वेक्टर में ट्रायंगल लॉ लगा दो, तो ए बी वेक्टर ए ओ वेक्टर और प्लस ओ बी वेक्टर के सम के इक्वल है, ठीक है ना। इक्वेशन ए सी वेक्टर देखो, इसमें ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर कौन सा है देखो, अगर ए सी वेक्टर यहाँ पर तुम देखोगे, तो ए सी वेक्टर ये वाला है, दिस इज द ए सी वेक्टर, और इसको मैं डायगोनल के टर्म में लिखूँ, तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इसके बराबर होगा ट्रायंगल लॉ से। तो ए सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इसके बराबर है, ठीक है ना। फिर आ जाओ ए डी वेक्टर, ठीक है ना, ए डी वेक्टर में ट्रायंगल लॉ लगा दो, तो ए और डी ट्रायंगल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा है, ए डी वेक्टर जो है ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर के सम के इक्वल है, तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर के सम के इक्वल है, ठीक है ना। प्लस ए ई वेक्टर, तो ए ई वेक्टर देखो कौन सा बनेगा, तो ए से ई तक, तो ए से ई तक ये वाला बनेगा, तो दिस इज द ए ई वेक्टर, तो ए ई वेक्टर यहाँ से ओ ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो मतलब ए ओ वेक्टर प्लस यहाँ से ओ ई वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। प्लस ए एफ वेक्टर आ जाओ, तो ए एफ वेक्टर की वैल्यू देखो, ए एफ वेक्टर कहाँ, ए और एफ ये वाला है, तो ए एफ वेक्टर ये है, तो ए एफ वेक्टर जो ए ओ वेक्टर है और दिस वेक्टर, इस वेक्टर के सम के इक्वल है ट्रायंगल लॉ से, तो ए ओ वेक्टर प्लस यहाँ से ओ ओ एफ वेक्टर, ठीक ना, ये वाली चीज़। अब देखो, अब इनको हमें जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले एक बात सुनो, जो ओ वी है, ओ बी देख रहे हो, ओ और बी का, ओ और बी, ओ बी वेक्टर ओ ई वेक्टर के इक्वल एंड अपोजिट है। देखो, ओ बी वेक्टर ऐसे लग रहा है, ओ बी वेक्टर ऐसे लग रहा है, और यहाँ पर जो ओ ई वेक्टर है वो ऐसे लग रहा है यार, ओ ई वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, और एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब मैं लिख सकता हूँ ओ बी वेक्टर माइनस टाइम्स ओ ई वेक्टर इक्वल है, ठीक ना। तो ओ बी और ओ ई आपस में इक्वल है, जब इनको जोड़ोगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसी तरह से ओ सी, ओ और सी, ओ सी वेक्टर ओ एफ के इक्वल है, तो ओ सी वेक्टर ये वाला ओ सी वेक्टर और ये वाला ओ ई वेक्टर ओ एफ वेक्टर, जो ओ सी वेक्टर है माइनस टाइम्स ओ एफ वेक्टर के, ठीक ना, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर जब जोड़ोगे तो ओ एफ को कैंसिल कर देगा, और जो ओ डी वेक्टर है यहाँ से ओ डी वेक्टर, तो बचा क्या, तो जब इनको जोड़ोगे ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस हमें ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, यही हमें चाहिए था, बराबर होगा
फाइव टाइम्स एओ वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात तुम देख रहे होगे कि जो एओ वेक्टर है और जो ओडी वेक्टर है ऐसे जा रहा, ऐसे एओ और फिर इसके आगे ओडी, और इन दोनों का लेंथ सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि ओडी वेक्टर बराबर है एओ वेक्टर के, इक्वल है भाई। इसका मतलब ये हुआ ये जो फाइनल सोल्यूशन है सिक्स एओ वेक्टर या सिक्स ओडी वेक्टर इसका सही सोल्यूशन है। तो सिक्स एओ वेक्टर दिया हुआ है तो डी ऑप्शन अपना सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।